आंखें भी हैं या पता नहीं नहीं है। वीराने में गाड़ी रुकी है यहाँ पे, जो इन्होंने अपने लिए लिया वो मेरे लिए लिया। ये सामने देखें सूरज निकला हुआ है, मैं कांप रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाल हो रहा है। माशाल्लाह रक्षे वाले बहुत अच्छा गाइड किया है। और यहाँ पे भी कुछ खाएंगे, मगर मुझे आज ही कराची जाना है। तो नाश्ता हम पाए का करेंगे, बाचा खान बाचा दगा लियाकत मार्केट की। मुबारक फाइनली अड्डे पर आ गए और मुझे घर निकलना है, 10 बजे निकली है बस। और बिल्कुल सो फाइनली बैकअप फॉर क्वेटा। ये बेचारे का क्या हाल कर दिया है, पूरा खून सर से निकाल रहा है, आंखें भी हैं या पता नहीं नहीं है। ये इसके पाप ने किया, इसने अपने बच्चे को ही इस हाल में पहुंचा दिया। वो रही बेचारी माँ, क्या करती बेचारी। टिकट पहन लिया है, बैग ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ हपचुकी। वहाँ पे हपचुकी पर बाइक रखूँगा और वहाँ से फिर बस में सफ़र होगा। फाइनली हपचुकी पे हूँ, नमाज पढ़नी है, पहुँच गया था काफ़ी टाइम से, अब ये कि बस आएगी तो निकलेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। फाइनली बस में बैठ गया, अब तकरीबन 10-12 घंटे का सफ़र है। वीराने में गाड़ी रुकी है यहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन 3 घंटे गाड़ी चल चुकी है, अभी भी तकरीबन 6-7 घंटे का सफ़र बाकी है। ये है हमारी गाड़ी, ये है होटल। अक्सर लोग 125 पे यहाँ पे घूम रहे हैं, 125 पे इनका सफ़र है। यहाँ खाने पीने का है कुछ, अच्छा माहौल है और कोई इतनी गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है। यहाँ क्वेटा के करीब तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है और यहाँ रुके हुए नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ कर इंशाल्लाह फिर 1 घंटे का सफ़र है तकरीबन। सर्दी बहुत है भाई। ये नमाज के बाद का मंज़र है और मैं आपसे, दो दोस्त हो बन गए हमारे, तो उनसे मुलाकात करवाऊँगा। ये हैं माशाल्लाह हमारे जानजेब भाई और ये हपचुकी पर रहते हैं, और ये अब्दुल्ला भाई हैं, ये भी हपचुकी पर रहते हैं। वो माशाल्लाह इतने मेहमान नवाज हैं कि जो इन्होंने अपने लिए लिया वो मेरे लिए लिया, मगर मैं बस में जब सफ़र करता हूँ तो कुछ खाता नहीं हूँ। हम ज़बरदस्ती भी इसको खिलाएंगे, बड़ा ज़बरदस्ती खिलाया भाई। और मैं जो है ना बस में सफ़र करता हूँ नहीं खाता, क्योंकि वजह उसकी ये है वॉमिट होती है मुझे ना, और माशाल्लाह दे आर वेरी ब्यूटीफुल बाय हार्ट, और माशाल्लाह अल्लाह इनको खुश रखे सलामत रखे। बलूचिस्तान के लोग जैसा सुना था वैसा ही है, और ये मेरा तीसरा ट्रिप है शायद या दूसरा है, तो उसमें ऐसे ही लोग, यानी कि कंडक्टर हों ड्राइवर हों, माशाल्लाह सारे ही बेहतरीन लोग हैं यार। जैसा यहाँ का मौसम है वहाँ वैसे ही यहाँ के लोग हैं माशाल्लाह। जानते भाई बिजी लगे हुए, रास्ता डाल बंदे नीरान की तरफ निकलता है। ये है आखिरी स्टॉप अजार गंजी जिसे कहते हैं। ये सामने देखें सूरज निकला हुआ है, मैं कांप रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाल हो रहा है, कितना ख़तरनाक है ये।
ये भाई को एड्रेस समझा रहे हमारे दोस्त। माशाल्लाह रक्षे वाले बहुत अच्छा गाइड किया है। और ये मेरा बबलू दोस्त है, अब इससे गले मिलेंगे। वालेकुम सलाम। एंटर हो गए भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाई बी आर क्या है हमारी, वो खड़ी है। हाय, ये रूम बना लिया तूने? हाँ बनाया भाई, पहले भी आ चुके हम यहाँ पे। हाल बेहाल तो चल पे खान साहब, फोर के सके मरा नख्तर मोबाइल यार यार बोल। ये हम आए कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर खैबर शनवारी, और यहाँ पे भी कुछ खाएंगे। यार बहुत अच्छा सेटअप है। सो टाइम हो रहा है इस वक्त 3 तकरीबन, और यहाँ हम तैयार हो गए हैं और अब हम निकलेंगे। जाना था कहीं पर, मगर मुझे आज ही कराची जाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्लान था कुछ 2-4 दिन और रुकने का, मगर मुझे मेरी बच्ची की तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा कराची वापस आज ही। दुरूद प्यारे नबी पे हरदम, जो भेज कोयटा में। यहाँ पे एक प्रिंस रोड है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पाए मिलते हैं, तो नाश्ता हम पाए का करेंगे। दिस इज एंडियोर शॉप, कुछ चप्पल वगैरह देखेंगे यहाँ पे। चला रहा है यार, एक चप्पल की तलाश थी जो इस तरह की थी, वाइट कलर में, मगर वो यहाँ पे है नहीं। भैया तेज चलाओ। भाई यहाँ तो बहुत रश है, तो इनकी दूसरी जगह है, यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो भाई कहाँ चलना है, आ जाओ। ये भी बैठक है यार, यहाँ पे बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। और ये है प्रिंस रोड कोयटा में जान ब्रोस्ट, बड़ा फेमस है इनकी इनकी बैठक इतनी सारी, और कई जगह बड़ी मुश्किलों से मिल रही है। Oh।
हाय तलाश उसको मैं ज़ियारत के लिए निकलना था और ज़ियारत से कल आते और फिर टाइम लगता, मगर खैर घर जाना ज़रूरी है। फाइनली इट्स 10 एंड यहाँ पे हमारी बस है, इसे स्लीपर भी कहते हैं। सो ये है टाइम हमारा, 10 बजे निकली है बस और बिल्कुल कंफर्टेबल है। कंपनी का नाम क्या है मुझे नहीं पता, मगर ये है कि सुबह तकरीबन हम पहुँचेंगे 7 बजे तक हब चौकी। 7 बजे हब चौकी पहुँचूँगा तो फिर उसके बाद अपनी बाइक वापस उठाऊँगा, फिर घर का सफ़र होगा मेरा वापस। रात का 2:30 बज रहा है और अभी यहाँ पे खाने के लिए रुके, कौन सी जगह है ये नहीं पता। 2:30 बजे खाने के लिए रुके, अलर्ट टाइट हो गई है, नींद से उठा दिया है। ये लसबेला पे गाड़ी रुकी है नमाज के लिए और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी जगह है। और तकरीबन 7.5 घंटे हो गए अभी यहाँ पहुँचे, तकरीबन 2 घंटे और लगेंगे फिर हब या कराची पहुँचेंगे। तकरीबन 10-10.5 घंटे लग गए, थोड़ा लेट पहुँचे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा है, उम्मीद आगे भी अच्छा रहेगा। फाइनली हब चौकी पहुँच गया हूँ और बस मेरी बाइक आने वाली है, किसी के घर पर है, मैं यहाँ पे केक बैठा के वहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरी बाइक आ जाएगी तो फिर निकल जाऊँगा। उम्मीद है कि मैं 9:30 बजे तक अपने घर होंगे, 8:30 बजे तक। बहुत नींद आ रही है, बात भी नहीं जा रही क्योंकि सफ़र इतना लंबा था, थका देने वाला सफ़र था। होपफुली इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोग ने ये क्विटा का व्लॉग इंजॉय किया होगा, इंजॉय किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।